अब मैं खड़ा हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा यानी तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार कोरोना को लेकर विदेशों से जो श्रद्धालु आते थे उनकी संख्या कम देखी जा रही है, और भी जो किसान थे जो अभी दिल्ली में और हरियाणा के आसपास में आंदोलन में सक्रिय हैं, आंदोलन पे वो बैठे हुए हैं, इसके कारण भी कई सिख श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पाए हैं। हालांकि उसके बाद भी स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, आप देख रहे हैं कि प्रकाश पर्व में स्थानीय श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है और सिख समुदाय के लोग भी ज़्यादा हैं। हम बात करेंगे, मेयर है हमारे साथ, मैडम पंजाब के श्री सीधा प्रसारण चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप पटना में इतना बड़ा तख्त हरमंदिर साहिब पटना साहिब गुरुद्वारा का ये प्रोग्राम प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, मैं सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएँ दूंगी गुरु पर्व में, और जो भी असुविधा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है हमको, जो भी सर दिखते होंगे वो आप लोग सरकार से हम लोग से मिलकर मान मांग डिमांड होगा तो हम लोग पूरा करेंगे। आप मेयर हैं यहाँ की, आपको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कोई शिकायत मिली है अब तक? नहीं, कभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली, नहीं, हमेशा बोलाते हैं बस। आप हर वर्ष आती हैं यहाँ पे? हाँ जी, सब वर्ष आती, हर वर्ष आती हैं। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा है, और दिन पर दिन जो यहाँ पहले जो हुआ करते थे सब बन गया नया एकदम। तो ये हमारे मेयर साहिबा हैं, और आप देख रहे हैं कि इनका भी कहना है कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से इनको कोई शिकायत नहीं गई है, और कोई भी शिकायत अगर आती है तो उनका निवारण करने के लिए तत्पर रहेंगी। हम और भी लोग हैं आपसे रूबरू करवाएंगे, और उनका क्या है इस बार प्रकाश पर्व में जिस तरह से जोश तो लोगों में देखा जा रहा है, और हम सीधे बात करेंगे, यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं त्रिलोकी जी हैं, कैसा लग रहा है आपको इस बार, आप श्रद्धालुओं की संख्या किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक गुरु दरबार है, यहाँ किसी चीज़ का भय नहीं है, रोग मुक्त बिहार है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये देख रहे हैं आवाम को देख रहे हैं, यहाँ गुरु की बड़ी कृपा है। हम ऐसे धरती पर हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का अवतार हुआ है, और मानवता के लिए एक मिसाल पेश उन्होंने किया है। उनको कहा गया संत सिपाही, संत भी थे, सिपाही तो भी साहित्यकार थे, और वैसे दशमेश पिता का दरबार में आज 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे सभी धर्मों को लोग कहा, मानस की जात, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था मानस की जात सब एक पहचान वो, देखिए हमारे जवान भाई आए हुए हैं, सभी लोग हैं यहाँ, सभी धर्मों के लोग। अभी आप देखेंगे तो 100 में 80% यहाँ के अवाम है, यहाँ की जनता है जो गुरु घर से प्रेम करते हैं, गुरु घर के नतमस्तक होने आए हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। अभी गुरु गोविंद सिंह महाराज खुद साक्षात रूप में यहाँ पर हैं, जो इच्छा मनोकामना लेके इस दरबार का दर्शन करेगा और मांगेगा उसे मुझे पूर्ण विश्वास है हर प्रकार की इच्छा मनोकामना पूरी होगी। अभी मेयर साहिबा आई हुई थी, उन्होंने कहा है कि किसी तरह की शिकायत नहीं है, अगर कोई शिकायत होगी हमारे पास अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लेकर आएंगे हम उनका निवारण करेंगे। तो आपको यहाँ पर किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं? सीता साहू अभी हमसे मिल के गई हैं, दोनों डिप्टी सीएम आए, सीएम आए, गवर्नर साहब आए, और आपको पर्यटन मंत्री आए हैं, और अभी आपको कृषि मंत्री आए हैं, तमाम मंत्रियों का आगमन हो रहा है, ये उनका स्थान है ना। बिहार में अगर कुछ होता है तो सरकार की बदनामी होती है, और जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है काबिले तारीफ है, 350 साल में जो उन्होंने व्यवस्था दी, जो देश विदेश में, हमारे बिहार की बात नहीं मैं कहता, देश विदेश में भी एक मैसेज देने का काम किया है, भाईचारा संदेश देने का काम किया है। मैं तहे दिल से मैं नीतीश कुमार के प्रशासन को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, यहाँ के आवाम को, यहाँ की जनता को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि देखिए कितने शांतिप्रिय ढंग से, कितने आप देखिए इसमें कोई उतावला है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, आधा एक घंटा लोग लाइन में लगे हुए हैं, और इनकी श्रद्धा है, मैं इनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ, और मैं हृदय से इन आवाम को मैं कोटानकोट बधाई देता हूँ इस गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर पूरे देशवासियों को। तो सीधे तौर पे मीडिया प्रभारी त्रिलोकी सिंह जी यहाँ पर थे, और उन्हें साफ बताया कि किस तरह की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सीधा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो यहाँ पर दिख रहा है उनका आशीर्वाद जो यहाँ के लोगों को खींच कर लाता है, और यहाँ पर जो वातावरण है साक्षात स्वर्ग जैसा देखा जा रहा है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।